हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको फेरस मिनरल्स के बारे में बताया, फेरस मिनरल्स के बारे में समझाया कि फेरस मिनरल्स मतलब कौन से, जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है। आयरन ओर और मैंगनीज, दो मिनरल्स हमने पढ़ लिए। अब जब मिनरल्स की बात करते हैं, मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं, तो आयरन वाले मिनरल्स होंगे और नॉन आयरन वाले होंगे, मतलब नॉन फेरस होंगे। तो अब हम इस वीडियो में नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कॉपर पढ़ेंगे और बॉक्साइट पढ़ेंगे। आ गया समझ में? एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कौन सा सेशन आने वाला है, किस दिन लाइव क्लास है, किस दिन स्पेशल क्लास है और क्या क्या सारी चीजें हैं। तो सब कुछ अपडेट जो है आपको वो उस टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा, बेफिक्र रहना। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अनअकैडमी ऐप पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्पेशल क्लास होती है जिसमें वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते हैं, ओपन हाउस जैसे फीचर्स हैं जहां पे हम बातें कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट, बहुत सारे क्विजेस वगैरह, ये सारी चीजें आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। आप फ्री में ऐप को अनलॉक कर सकते हैं सिर्फ इस कोड के साथ में, DIGRAJ। ठीक है, और एक्सप्लोर कीजिए इस ऐप को, फाइन। तो अब अगर हम बात करते हैं कॉपर की और बॉक्साइट की, तो देखो कॉपर, ठीक है, कॉपर आपको पता है तांबा, ठीक है, और बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट शायद आप में से काफी सारे लोगों को ना पता हो। तो बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम हो गया हमारा, ठीक है, बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम हो गया। तो कॉपर की अगर हम बात करते हैं, तो कॉपर के अंदर भी आयरन नहीं है, ये नॉन फेरस हो गया। वैसे ही बॉक्साइट जो, इसके अंदर भी आयरन नहीं है, ये भी नॉन फेरस हो गया। इसके अलावा भी और नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाएगा, हाउएवर दीज मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड। अब गोल्ड सोने में लोहा थोड़ी ना आता है ना, सोना तो सोना होता है, तो वो भी क्या, एक नॉन फेरस मिनरल होता है। ये सारे नॉन फेरस मिनरल्स हैं, हम कॉपर बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, उतना सेटिस्फैक्ट्री आपको रिजर्व नहीं मिलेंगे नॉन फेरस मिनरल्स के, जितना आयरन कंटेंट वाले फेरस मिनरल्स के हैं। बताया था ना पिछले वीडियो में कि 3/4 जो है वो फेरस मिनरल्स ही है, ठीक। तो उतना सेटिस्फैक्ट्री हमारे पास कह सकते रिजर्व नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, हाउएवर दीज मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन अ नंबर ऑफ मेटलॉजिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल आपने सुना हो ना कि क्या है, वो मोबाइल में से सोना निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, लेकिन आप जिसे देखेंगे तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में और मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज में इन सारे नॉन फेरस मेटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे नॉन फेरस मिनरल्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं कॉपर से, तो कॉपर आप सभी ने देखा होगा, कॉपर जो तांबा है, तो उस तांबे को आपने देखा होगा क्या है कि वो भी एक मेटल है, हार्ड मेटल है, और इनफैक्ट आयरन से ज्यादा अच्छी उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक, लेकिन उसके अंदर आयरन नहीं है, क्लियर हुआ। तो इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शंस ऑफ कॉपर। इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे पास कॉपर के रिजर्व नहीं है, कुछ ही माइंस है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता, इनफैक्ट हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो जैसे अटाकामा डेजर्ट वगैरह जो है साउथ अमेरिका में, वहां पे कॉपर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भी मतलब डेजर्ट वाला जो कह सकते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उस तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशन जो रहती है, तो वहां की मिट्टी में कॉपर पाया जाता है, क्लियर हुआ। अटाकामा डेजर्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और हमारे यहाँ भी जैसे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ देखो राजस्थान में कॉपर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अजमेर हो गया, बेवार हो गया, खेतरी माइंस हो गई, तो ये क्या है, यहाँ जैसे अगर आप देखोगे राजस्थान वाले रीजन में कॉपर प्रोडक्शन ज्यादा है, उसके अलावा भी बालाघाट हो गया, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहाँ पे भी आपको कॉपर मिल जाएगा, क्लियर। तो इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है, बीइंग मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई कि कॉपर की डिमांड है क्यों, मिलियेबल है बहुत ज्यादा, ठीक है। मिलियेबल मतलब क्या है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि बहुत लचीला होता है, उसको शीट्स में ठोक ठोक के शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। तो बीइंग मेलेबल, डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या होता है कि पतले पतले वायर्स में उसे क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो वायर्स होते हैं वो कॉपर वायर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि कॉपर इज वेरी डक्टाइल, ठीक है, एंड वी कैन इजिली मेक वायर्स आउट ऑफ कॉपर, ठीक है। तो बीइंग मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वायर जो रहता है तो वो अच्छे, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स जो रहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए कॉपर वायर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर, कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये आप सभी ने देखा है, क्लियर हुआ। फिर क्या है,
बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, तो ये बालाघाट माइन होगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर क्या है, खेतरी माइंस इन राजस्थान, तो राजस्थान में यहाँ पे अजमेर बेवार और ये खेतरी माइंस है यहाँ पे, ठीक है, तो खेतरी माइंस इन राजस्थान। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो ये झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, आयरन ओर में भी अभी देखा था हमने, तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, तो यहाँ कंट्री में वैसे तो स्कैरसिटी है लेकिन जहां प्रोड्यूस होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर हुआ। उसके बाद जैसे अगर हम बात करते हैं तो कॉपर एक नॉन फेरस मिनरल हो गया, दूसरा नॉन फेरस मिनरल है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट क्या है, तो देखो बॉक्साइट से निकाला जाता है एल्यूमिना, ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट रहते हैं और इस एल्यूमिना से निकाला जाता है एल्यूमिनियम। तो आप ऐसा ध्यान रख लेना कि बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम, तो अमरकंटक प्लेटू जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, बॉक्साइट के डिपॉजिट मिल जाएंगे, क्लियर हुआ। तो बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ठीक है, तो वो सारी मिट्टी, वो सारे रॉक्स, ठीक, जिनके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट ज्यादा रहता है, तो वहां पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन से बॉक्साइट बनता है, उस बॉक्साइट से एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, ठीक है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो एल्यूमिनियम जो हो गया, अगेन एल्यूमिनियम और कॉपर जो है तो दोनों ही नॉन फेरस मिनरल्स है, लेकिन दोनों बहुत सिग्निफिकेंट है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन, ठीक है, विच विथ एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विथ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मिलियबिलिटी। अब मैं आपको कुछ एल्यूमिनियम की बढ़ाई करके बता देता हूं। देखो एल्यूमिनियम की डिमांड क्यों है, पता है, सबसे पहले तो लाइटनेस, क्या हो रहा है कि आपको दोनों चीजें चाहिए, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए जो आयरन में है, लेकिन आयरन की स्ट्रेंथ लेने जाओगे तो उसके साथ में वेट भी आएगा बहुत ज्यादा, आयरन के मतलब जैसे आयरन ओर जो रहेगा, आयरन ओर से आपने आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया तो लोहा भारी रहेगा, मजबूत जरूर रहेगा लेकिन भारी रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, मजबूती तो लोहे जैसी ही चाहिए लेकिन भारीपन नहीं चाहिए, वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम में स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन विथ एक्सट्रीम लाइटनेस, लेकिन हल्का भी है। तो अब यहां पे आप एक लॉजिक लगाओ, जो एरोप्लेन की बॉडी होती ना वो लोहे से स्टील से नहीं बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि ऊपर उड़ना है तो, लेकिन स्ट्रेंथ भी चाहिए, ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं पता लग रहा उधर से हवा तेज आ रही तो हमारा एरोप्लेन जो है वो दब गया, ठीक है, तो वहां पे आपको स्ट्रेंथ जो चाहिए रहेगी, तो स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी, स्ट्रेंथ तो मिल गई एल्यूमिनियम से और उसके साथ साथ हल्का भी चाहिए, तो वो लाइटनेस एल्यूमिनियम आपको देता है। कभी आप एक काम करना, स्टील का बर्तन उठाना है घर में और एक एल्यूमिनियम का बर्तन उठाना, आपको समझ में जाएगा डिफरेंस दोनों के वजन में, ठीक है, स्ट्रेंथ एक जैसी रहेगी और, क्लियर हुआ। तो लाइटनेस एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मिलेबिलिटी, तो आपने कॉपर वायर जैसे देखे हैं वैसे आपने एल्यूमिनियम वायर भी देखे होंगे, थोड़ा सस्ता आ जाता है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम जो होता है एल्यूमिनियम को वायर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है उसका, ठीक है, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगेन, ठीक। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू, माइकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, ठीक है, तो मेजर रीजन जो है वो कहां कहां मिल जाएगा आपको बॉक्साइट, तो जैसे अमरकंटक प्लेटू हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़ के यहाँ, ठीक है, अमरकंटक प्लेटू हो गया, माइकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, ठीक है, तो बिलासपुर कटनी इधर चले जाओ छत्तीसगढ़ साइड नीचे, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला जो माइकाल हिल्स वाला रीजन है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, बॉक्साइट डिपॉजिट मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपको इंडिया में बॉक्साइट SH ये मैप पे नहीं आना, मैं तो बस आपको विजुलाइज करवा रहा हूं, ठीक है, तो ये आपको इंडिया में आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, यहां आपको बॉक्साइट डिपॉजिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बॉक्साइट डिपॉजिट देखने को मिल जाएगा। ओडिशा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016-17 के डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो ये देखो कंट्री में जितना भी बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है उसका 49% बॉक्साइट सिर्फ ओडिशा से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके अलावा फिर जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, दूसरे भी स्टेट से, ठीक है, तो ओडिशा वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, ठीक है, 2016-17 के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो। अब फिर क्या है, पंचपटमाली, ठीक है, पंचपटमाली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है, आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन दी स्टेट, ठीक है, तो पंचपटमाली डिपॉजिट कहां पे, ओडिशा में, ठीक है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, तो ये चीजें कुछ कुछ क्या है ध्यान रखने वाली, तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है एल्यूमिनियम डिपॉजिट मतलब एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में सबसे आगे है देश में, क्लियर हुआ। ये आपको नॉन फेरस मिनरल्स में बॉक्साइट की कहानी समझ में आई या नहीं बताना कमेंट सेक्शन में, क्लियर हुआ। तो इसी के साथ हमारा नॉन फेरस मिनरल्स में बॉक्साइट भी हमने पढ़ लिया, मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहां तक समझ में आई है। अब आपने फेरस मिनरल्स पढ़ लिए, नॉन फेरस मिनरल्स पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो मिनरल्स तो ये मेटालिक मिनरल्स हो गए, कुछ नॉन मेटालिक भी होते हैं जिसके अंदर मेटल नहीं होता है लेकिन वो मिनरल है, जैसे माइका, तो माइका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच।